सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है स्कंद की जड़ें। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से स्कंद की जड़ों को निकाला जाता है। आइए शुरू करते हैं। ये है स्कंद का पौधा, इतना बड़ा हो चुका है। आइए शुरू करते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। नीचे से उसको आप होल्ड कीजिए अच्छे से और कोशिश कीजिए कि आप उसको धीरे धीरे से पुल करें, धीरे से निकालें, क्योंकि जड़ें उसकी टूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए फिर भी इसकी जड़ें टूट गई है। हम कोशिश करेंगे कि उसको धीरे से उखाड़ें। इस तरीके से इतनी बड़ी जड़ होती है उसकी, तो आप उसको आराम से निकालिए। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। ये जड़ के टूटने का पूरा ख्याल रखें, कोशिश करें कि पूरा पूरा बाहर निकले। इस तरीके से इसमें पौधा छोटा था लेकिन फिर भी उसकी जड़ काफ़ी अच्छी निकली है। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी जड़ को निकालते हैं। अब आपको दिखाते हैं उसकी कैसे किस तरीके से कटिंग की जाती है। कटिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटी कुल्हाड़ी की, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। और आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। अभी यहाँ हम उसको ये ध्यान रखना होगा, हमको सिर्फ जड़ जड़ का पार्ट ही हम उसको काटेंगे, बाकी ऊपर का जो तना है हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये निकल गई है इसकी जड़, इसको हम सूखने के लिए ही छोड़ देंगे और इस तने को अलग से रख लेंगे, ताकि इसको सूखने के बाद इसको भी हम अलग से बेच सकें। ये इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आराम से इसको हम काटते हैं। ठीक है किसान भाइयों, इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी ये जो पौधा है इसका, इसको भी सूखने के लिए अलग से छोड़ देते हैं। जब हम इसको पूरा सूख जाएगा तो इसकी पूरी छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भी हम बेच सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।